अगली खबर में हम बात करते हैं डिंडोरी की, जहां पत्नी बीमार पड़ी तो पति ने मायके भेज दिया। यहां जैसे तैसे गुजारा कर रही विधवा मां ने कुछ दिन तो उसे संभाला, लेकिन बीमारी के कारण बेटी की मौत हो गई। यहां से एक मां का संघर्ष शुरू होता है। उसने बेटी के अंतिम संस्कार के लिए अपनों से गुहार लगाई, लेकिन सगे संबंधियों ने मुंह मोड़ लिया, जिसके बाद आस पड़ोस के लोगों ने चंदा जुटाकर अंतिम संस्कार करवाया। छोटी बहन ने मृतका को मुखाग्नि दी। ये दृश्य जिसने देखा उसकी आंखें भर आई, लेकिन उन लोगों के दिल नहीं पसीजे जो उसके अपने थे। मामला डिंडोरी का है। यहाँ एक प्रतिष्ठित परिवार की विधवा बहू अपनी बेटी की अंत्येष्टि के लिए परिजनों से मिन्नतें करती नजर आई, लेकिन उन्होंने उसके लिए अपने घर के साथ ही अपने दिलों के दरवाजे भी बंद कर लिए। उसे परिवार के लड़के के साथ लव मैरिज करने की सजा मिली। इस परिवार के प्रदीप सोनी ने 30 साल पहले अलका वैश्य से प्रेम विवाह किया था। इसके बाद वो काम की तलाश में भोपाल चला गया। 11 साल पहले डिंडोरी लौटा तो भाइयों ने बंटवारे में जमीन समेत अन्य चीजें नहीं दी। इसके बाद वह मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता रहा। इसी बीच 10 साल पहले प्रदीप सोनी की मौत हो गई। उनकी पत्नी अलका वैश्य बताती हैं कि उनकी 4 बेटियां हुई। पहली बेटी को भोपाल अस्पताल से उसकी नानी लेकर चली गई। प्रिया की मौत भी 10 वर्ष की उम्र में हो गई थी। अब पूजा की भी बीमारी के बाद मौत हो गई है। उसके बाद अब प्रीति नाम की बेटी है। अलका सोनी ने बताया कि बेटी पूजा की शादी 2021 में भोपाल में गांधीनगर में जीतेन मेवाड़ा के साथ पूरे रीति रिवाज से हुई थी। पूजा कुछ दिनों बाद बीमार हो गई, लेकिन पति ने इलाज नहीं कराया और उसे हमारे पास भेज दिया। वह कुछ समय से बीमार थी। इलाज के दौरान पूजा की मौत हो गई। पूजा की मौत के बाद माँ बेटी को लगा कि शायद परिवार के सदस्यों का दिल पसीज जाए, लेकिन उन्होंने कोई मदद नहीं की। इतना ही नहीं, मायके वालों ने भी मदद नहीं की और पूजा का पति भी नहीं आया। प्रीति ने अपने पिता के सहयोगी राजेश वर्मन से मदद मांगी, तब राजेश वर्मन ने कुछ लोगों के साथ सहयोग करके अंतिम संस्कार करवाया। एक महीने पहले ही माँ बेटी आई थी और किराए के मकान में रह रही थी। मकान मालिक राम सहाय मर्दन ने बताया कि पिछले महीने ही अलका सोनी अपने 2 बेटियों के साथ किराए का मकान लेने आई थी और मैंने कमरा किराए पर दिया था। मंगलवार सुबह जब पता चला तो सभी लोगों को फोन कर जानकारी दी और अंतिम संस्कार करवाने शमशान घाट तक गए। समाज सेवी हरिहर पारासर ने खाने पीने की सामग्री खरीद कर दी है। ससुराल वालों ने भी कोई हेल्प नहीं करी। 3 महीने उसको इतने सारे दे दी। वो सोच रहे थे कि सही हो जाएगी, ठान में ठान फिर पहुंचा देंगे, लेकिन वो सही नहीं। राजू वर्मन, उन्होंने हमारा सपोर्ट किया। इसी बीमारी पे वो 10 साल पहले उनकी मौत हो गई। अब उनके 2 बेटियां और पत्नी बची है और इनके प्रदीप सोनी के 11 भाई।